अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल एक एक क्रोशे जी। तो ये हमारे पास एक बेबी ब्लैंकेट है और इसमें जो है हमने 3 टाइप्स ऑफ शीट्स यूज़ किए हैं और साइज़ इसका है 40x40 इंचेस। और इसमें जो है मैंने पफ स्टिच यूज़ किया है और इसका मैं आपको पफ फ्लावर भी बनाना सिखा चुकी हूँ अपनी वीडियो ट्यूटोरियल्स में। तो आज मैं जो है आपके साथ आई हूँ इसका किस तरह से हम इसमें बेबी नेम कस्टमाइज अटैच कर सकते हैं। ये देखें कि मुझे इसमें कस्टमाइज बेबी नेम जो है अटैच करना है, तो ये मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी। ये HA और NI हानी नेम जो है हम इसमें बेबी का लिखेंगे। तो साइज़ इसका ब्लैंकेट का 40x40 इंचेस है। सबसे पहले जो है हम इसको इस तरह से जो है पफ स्टिच के डिफरेंट साइजेस में जो है अपने मेजर करके हम ये बना लेंगे स्ट्रिंग्स। हमें ये ध्यान रखना है कि ऊपर और नीचे दोनों साइड्स में डिस्टेंस हो, गैप हो, साइड में भी इक्वल डिस्टेंस हो दोनों तरफ नेम टैग में, और जो है अल्फ़ाबेट के सेंटर में डिफरेंस हो, सेंटर में जो है डिस्टेंस हो, ठीक है, फासला हो बराबर का, इक्वल डिस्टेंस हो अल्फ़ाबेट के सेंटर में भी। और जो है ये देख लें आप, एक मैंने स्ट्रिंग पहले बना के चेक कर ली थी कि मुझे कितनी चाहिए होगी और फिर मैंने उस हिसाब से बाकी स्ट्रिंग्स बनाई हैं। 6 पफ स्टिचेस का एक स्ट्रिंग मैंने बनाया है लेंथ कवर करने के लिए। तो अब हम देखते हैं ये इस तरह से हम बनाना, मैं आपको बताती हूँ एक जो है अल्फ़ाबेट का, और फिर मैं आपको ये बताऊंगी कि किस तरह से जो है हम वूल को, इसको पफ को, नेम को हम अटैच करेंगे। सबसे पहले आपने चेन स्लिप स्टिच करके नॉट बनानी है और आपने 4 चेन्स ले लेनी है, ये देखिए। फिर आपने थर्ड फोर्थ चेन पे आपने इनकम्प्लीट DC बनाया, ये देखें, ये दूसरा इनकम्प्लीट DC बनाया, 3 लूप्स आ गए आपके। फिर ये आपने 4 इनकम्प्लीट DC, 5th इनकम्प्लीट डबल क्रोश, और इस तरह से आपने 5 से 6 to 7, ज़्यादा से ज़्यादा बनाएंगे तो आपका पफ उतना ही थिक और पफी बनेगा। देखें थर्ड फोर्थ चेन में आपने सारे इनकम्प्लीट DC बनाने हैं और फिर ये हमारा लास्ट इनकम्प्लीट DC, ये देखें। आप पे डिपेंड करता है आपको जितना थिक बनाना है अपना पफ। ये हमने पुल थ्रू करके, यार्न ओवर करके पुल थ्रू किया और हमने इसको अच्छे से स्ट्रेच किया खींचा, तो ये हमारा जो है पफ आ गया। ये देखिए मैं एक और बनाना बताती हूँ, इसके ऊपर हम दूसरा बनाएंगे। 1 2 3, ये 3 चेन ले ली हमने और अब ये हम इसमें ये जो पफ के ऊपर जो ये है यहाँ ये स्टिच, ये देखिए चेन, इस पे हमने बनाना है अपना सेकंड पफ। 3 चेन लेके पफ के ऊपर जो चेन है यहाँ पे हमने अपना सेकंड पफ बनाना है। इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे, इनकम्प्लीट DC 6 to 7 इनकम्प्लीट DC बनाएंगे और ये देखें ये हमारा बन गया DC। अब हम यार्न ओवर करके सारे लूप्स में से पुल थ्रू करेंगे और इसको बाहर की तरफ ऐसे अपनी उंगली से, आपको देखो अपनी फिंगर जो है आपको ऐसे करके इंसर्ट करनी है तो ये इसका शेप आ जाएगा, ये देखो। और आपने पुल थ्रू करना है टाइटली और इसको पुल थ्रू कर देंगे यार्न को, ये हमारा सेकंड बन गया। इसी तरह आपने वियर्स अपने नेम टैग के हिसाब से आपने बनाने और आपने फिर इसको कट कर देना है। अच्छा एक बात का ध्यान रहे, दोनों साइड्स पे जो है आप लॉन्ग टेल छोड़िएगा क्योंकि आप इसको हटाए, अभी मैं आपको इसको सीवन के तरीके से अटैच करना सिखाऊंगी, लेकिन साथ में जो है आपने थोड़ी सी 4 इंच की जो है टेल आपने दोनों साइड्स पे छोड़नी है क्योंकि आप इससे भी सिक्योर करेंगे अपने अल्फाबेट को जी। तो मैं अब आपको बताती हूँ कि हम किस तरह से अटैच करेंगे। ये हमारा एन है और एन को हमने कंप्लीट अटैच करना है। इसके लिए हम ले लेंगे सीविंग नीडल और थ्रेड, जो सिंपल थ्रेड होता है, ध्यान रहे आप, या तो आप बेस के कलर का लें या फिर आपकी जो पफ स्टिच है उसके कलर का लें। और ये आपने ये देखें, ये नीडल है हमारे पास जो हम सिंपल हमारी स्टिचिंग नीडल होती है और हमने उसको डबल करके और नॉट लगा लेनी है। जो सिंपल सीव करने का जो तरीका होता है हम उसी को फॉलो करेंगे, ये देखें। इसको हमें इधर रखना है और ये वाली स्टिच को हमने ऐसे रखना है। अब हम
यहाँ से इसको बैक साइड से अटैच करेंगे सबसे पहले, ताकि इसकी जो है नॉट जो है हाइड हो जाए। ये देखें, ये देखें, आपकी मर्जी है आप इसको उससे अटैच करना चाहें नहीं चाहें। मैं एज अ सिक्योरिटी, ये फ्लॉज नज़र नहीं आए तो मैं इसको इसके साथ कर रही हूँ, तो देखेंगे थोड़ा फर्क पड़ा है इसमें। नहीं, थोड़ा डिस्टेंस था, अभी ये थोड़े क्लोज आ गए हैं और गैप कम हो गया है। अब जी हम इसको स्ट्रेट सिंपल जो हमारा एक तो रुपाई का तरीका होता है, उसी तरह से हम इसको साइड में सीव करते जाएंगे। ये ध्यान रखना है आप जो है। एक और मैं आपको इसमें टिप दे दूँ, आपके पास ये पिंस तो सबके पास होंगे या आपके पास ये होंगी निडल, आपने इसको अटैच करना है इस तरह से ये देखें, ताकि ये आपकी जगह पे अटैच रहे। ये एक, और ये हमारे पास दूसरा, मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं एक ही करूँगी अटैच, ताकि जी तो व्यास देखें, ये मैंने यहाँ तक हो गया है स्टिच। अब हम इसको थ्रेड को कट करेंगे, ये देखें इसको साइड पे करेंगे, और ये हम दोबारा इसको से सिक्योर कर लेंगे, ताकि ये और इसको पीछे ले जाएंगे। अब इसको हम सीवन करेंगे और नॉट लगा के इसको सिक्योर कर लेंगे। अब मैं आपको थ्रेड का बता, इसका वूल का बताती हूँ। ये जो मैंने स्ट्रिंग्स आपसे कहा था कि ये टेल छोड़ दीजिएगा दोनों साइड्स पे, ये देखें इसको हमने पीछे के साइड्स लेके गए, और अब हम इसको सिक्योर करेंगे नॉट्स लगा के, ताकि ये अच्छे से हमारे अल्फाबेट सिक्योर हो जाएं। ये देखें मैंने क्या किया, मैं इसको ऐसे किया, ये नॉट बनाई और इसको इसमें से गाड़ लिया। देखें फिर मैंने इसको इसी तरह करा और ये इस तरह से सिक्योर हो गया हमारा। आप एक दफ़ा करें, दो दफ़ा करें, आपकी मर्जी है। इसी तरह से मैं इसको करूँगी, ये देखें, ये पहले हम इसको दूसरी तरफ ले जाके नॉट लगाएंगे और फिर इस नॉट में से गुजार देंगे, ताकि हमारा सिक्योर हो जाए। ये देखिए इसको हम क्लीन कर देंगे और नॉट लगा के कट कर देंगे। तो ये देखें जी, हमारा एंड रेडी हो गया, HAN और आई हमारा रेडी हो गया, और मैं आपके साथ फाइनल लुक शेयर करती हूँ इसका भी।